हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज का जो एनालिसिस रहने वाला है, यूपी एनएचएम का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 जून का, ठीक है, काफ़ी लोग इसको एग्ज़ाम देने गए हैं, बहुत ही अच्छे से इसको एग्ज़ाम दिया है। 16 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैटेगरी वाइज कितना यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है और यहाँ पे कितनी यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे इस चीज़ का फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट 10,000 भर्ती का जो एग्जाम देकर आए हैं और साथ ही साथ 1,100 भर्ती का जो एग्जाम देकर आए हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे क्या फायदे रहने वाला है, तो वो सब इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो यूपी एनएचएम का जो एएनएम और स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें कैंडिडेट्स काफी अभी भी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कोई अपडेट आया है या नहीं, इसमें भी हम आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो अंत तक इस वीडियो को देखेगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए, और जो कुछ भी आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमसे भेजिएगा, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय जो भी आप हमको देना चाहते हैं तो आप हमें कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, छोटे से छोटा अपडेट यूपी एनएचएम से जुड़ा हुआ हो या फिर वो राजस्थान एनएचएम से जुड़ा हुआ हो चाहे वो मध्य प्रदेश एनएचएम से जुड़ा हुआ हो, तीनों का तीनों अपडेट जैसे ही आता है, छोटे से छोटा अपडेट, वो सब अकेला हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो वो सारा अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बढ़ के बताते हैं उस कैंडिडेट के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम देकर आए हैं 16 जून का, ठीक है। 16 जून को देखिए 3 एग्जाम हुए हैं, ठीक है, यूपी एनएचएम के, और वहां पे सबसे पहला जो एग्जाम था एनएचएम सीएचओ का था, ठीक है, सीएचओ का हुआ था, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम हुआ था 10,000 भर्तियों का था, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह थे, लैब टेक्नीशियन वगैरह थे, और साथ ही साथ उसमें एक एग्जाम और कराया गया था 1,100 भर्तियों का, इसमें नर्स मेंटर वगैरह थे और भी जो पोस्ट वगैरह थी, तो इसमें पूरा एग्जाम इकट्ठा करा लिया है, ठीक है। तो तीनों का जो एग्जाम हुआ है ऑफलाइन हुआ है, और काफी कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है कि एग्जाम जो आया है ना कि ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा वो सरल है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का मैं कहूंगा, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पर मैं कहूंगा मॉडरेट ये भी था और मॉडरेट ये भी था, ना ज्यादा कठिन था और ना ज्यादा कठिन था, सरल था। कैंडिडेट से सवाल बन गए हैं वहां पे, जो भी क्वेश्चन आए थे उन्होंने वहां पे ओएमआर में बिल्कुल सही सही वहां पे फिल किए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं पूरा एक कट ऑफ आपको सभी लोगों को बता देता हूँ, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए जो यहाँ पे रहने वाला है और सभी लोगों के लिए बेनिफिट देने वाली बात क्या थी कि इसमें देखिए सीएचओ वाले कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले बताता हूँ मैं कि 45% करीब कैंडिडेट्स के वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिजेक्ट जो इसलिए रिजेक्ट हो गए थे, काफ़ी लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था अपना यूपी गवर्नमेंट का नहीं लगाया था, अदर स्टेट का लगा लिया था, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कॉलेज का नेम भरने में काफ़ी गड़बड़ कर दी थी, कॉलेज का नेम की जगह पे वहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी का नाम लिख दिया था, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों का वहाँ पे एग्ज़ाम वहाँ पे क्या हुआ, नहीं हो पाया, उनके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो पाए हैं, उनके फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। काफ़ी लोग उसमें ऐसे थे कि उनका एज क्राइटेरिया वहाँ पे फिट नहीं बैठा, तो भी उनने वहाँ पे फॉर्म भर दिया था, इसलिए उनके वहाँ पे एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं, ठीक है। और 10,000 भर्ती वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, जो इंसेक्ट कलेक्टर वाले थे, तो इंसेक्ट कलेक्टर का तो फॉर्म हुआ ही नहीं, एडमिट कार्ड आया नहीं, तो वहाँ पे एग्जाम हुआ नहीं। साथ ही साथ और भी पोस्ट थी, 10,000 भर्ती वाली जो पोस्ट थी और 1,100 भर्ती वाली पोस्ट थी, उसका एग्जाम यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है पोस्ट काफी इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट देखने को मिले हैं, ठीक है। अटेंडेंस की बात मैं करता हूँ, 45% लोगों के तो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, और देखने वाली बात थी 10 से 15% लोग वहाँ पे एग्जाम देने नहीं आए हैं, किसी ना किसी कारणवश, हो सकता है दूर लखनऊ में सेंटर रखा गया था, तो काफी लोग वहाँ उस चक्कर में वहाँ पे एग्जाम देने नहीं आ पाए होंगे, और कोई ना कोई बीच के दिनों में ये एग्जाम हुआ है, ठीक है। बीच के दिनों में तो नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि एकदम से ये एग्जाम यहाँ पे 16 जून का कंडक्ट बीच में करा लिया गया है, क्योंकि संडे का दिन था, काफी लोग यहाँ पे अपने अपने घर निकल जाते हैं, और कोई भी कारण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। काफी लोगों को यहाँ पे जो वर्किंग वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो वहाँ पे नहीं हो पाते हैं शामिल, तो काफी फर्क पड़ा है इसमें, 10 से 15% मान के चलिए एग्जाम देने कैंडिडेट्स वहाँ पे नहीं आए हैं, और 45% लोगों के वहाँ पे यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है वो कैंडिडेट्स जिनकी अटेंडेंस एग्जाम में देखने को मिली है, अगर वो सही सही करके आए हैं और अगर, तो उनको वहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट वहाँ पे वैकेंसी उनको मिल जाएगी इजीली, उनको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सीएचओ वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा,
बाद में जितने भी कैंडिडेट्स ने मुझे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भेजे हैं उसमें मैंने देखा कि कैंडिडेट्स ने सिर्फ दो सेशन थे उसमें सीएचओ के, पहला सेशन था और दूसरा सेशन था, ठीक है। तो कैंडिडेट्स ने उसमें बोला गया था बाद में कि आपको अपनी अपनी वहाँ पे पोस्ट की जो मतलब जहाँ पे आपको आपकी जॉब करने की जो इच्छा है उसलिए वहाँ पे जिले मांगे गए थे, ठीक है, अलग से ऐड करने थे वो जिले। तो काफ़ी लोगों ने वो जिले जो डिस्ट्रिक्ट थे वो बाद में ऐड किए ही नहीं, काफ़ी से करीब करीब ये मान के चलिए मैंने जितने भी फॉर्म देखे करीब 2000 करीब फॉर्म मैंने यहाँ पे भेजे हैं मेरे कैंडिडेट्स ने मेरी मेल आईडी पे, तो मैंने उनमें देखा कि वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म था उनने अपने डिस्ट्रिक्ट जो थे वहाँ पे, बाद में जो नोटिफिकेशन आया था जिसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था उसमें मैंने बोला था कि आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ऐड कर लीजिए जहाँ पे आप लोग नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो वहाँ पे एक लिंक जारी करवाई गई थी UPNHM द्वारा। तो मैंने देखा वहाँ पे कैंडिडेट्स ने वहाँ पे किए ही नहीं अपने अपने, तो उन लोगों को फायदा वहाँ पे होने वाला है बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने वहाँ पे अपनी अपने जिले वहाँ पे ऐड कर लिए गए हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐड मीन्स अपना अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस था जहाँ पे वो पोस्ट करना चाह रहे हैं उन्होंने अपना फॉर्म वहाँ पे अपडेट कर लिया था, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फायदा है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे कट ऑफ की, तो हम यहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। एक जनरल कट ऑफ हम आपको बताएंगे एग्जाम के लेवल को लेकर और जिस हिसाब से कैंडिडेट वहाँ पे बैठे, तो जनरल कट ऑफ मतलब एक तरीके से आम तौर पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, और एक्सपेक्टेड के साथ इसके आगे पीछे भी यहाँ पे कट ऑफ डिफर कर सकता है, लेकिन मेरे द्वारा जो कैंडिडेट्स ने जो मुझे बताया है एग्जाम का लेवल उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक कट ऑफ यहाँ पे अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे जनरल की बात करेंगे हम, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे होगी, यहाँ पे एक ही बात है जनरल और अनरिजर्व। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे OBC कैटेगरी की, और OBC कैटेगरी के बाद हम यहाँ पे करेंगे SC कैटेगरी की, और सबसे लास्ट में ST कैटेगरी के कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके आपको सभी लोगों का मैं बता देता हूँ। 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर था, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कट ऑफ जो रहने वाला है जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल और अंडर कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 72-74 मार्क्स अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे आपने सही सही करे हैं, ठीक है, 70 हो या फिर 71 हो 72, तो यहाँ पे आपके बहुत ही अच्छे सेफ चांसेस मानूंगा मैं, आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने के यहाँ पे पूरी चांसेस है, ठीक है। ये जनरल कट ऑफ है, CHO वालों के लिए भी है, जनरल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे 10,000 भर्ती वाला जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, उसके लिए भी है, और यहाँ पे 1,100 भर्ती वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,100 भर्ती के लिए तो यहाँ पे पोस्ट थोड़ी इतनी कम थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, तो कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा वो मॉडरेट रहेगा वो इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यही आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे 65 से 68 यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये वाला कट ऑफ हो सकता है OBC के लिए यहाँ पे, अगर आपके चांसेस अच्छे हैं। और SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 62 से 64 नंबर यहाँ पे मान के चलता हूँ, अगर इतने अगर आपने लगा के आए हैं तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं, ठीक है। 58-61 यहाँ पे मैं मान के चलूंगा ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो उनके यहाँ पे बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो ये तो था अपडेट कट ऑफ को लेकर, और बाद में हम एक और यहाँ पे बात डिस्कस कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। देखिए काफ़ी लोगों से काफ़ी दिनों से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं, ANM और स्टाफ नर्स वाले वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी उन लोगों के लिए, तो उनको अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, और ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आएगा हम सबसे पहले आपको अपने चैनल के थ्रू जरूर बताएंगे। अभी जब मेरे जो दोस्त हैं उनके द्वारा जब फोन लगाया गया था UPNHM में, तो उन्होंने बोला था कि लास्ट मंथ ऑफ जून है, ठीक है, जून का जो लास्ट वीक है तो उसमें वहाँ पे कोई ना कोई अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और जैसे ही अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू जरूर मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो ये तो था पूरा अपडेट, आपको जैसा भी लगा जरूर बताइएगा, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू का मैसेज भी आप सभी लोग लिख सकते हैं, एक थैंक यू का मैसेज लिखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, छोटे से छोटा अपडेट UPNHM से जुड़ा हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश NHM से हो, चाहे वो राजस्थान NHM से जुड़ा हुआ हो, पूरा छोटे से छोटा अपडेट जितना भी है हमारे अकेले इस चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ एक थैंक यू का मैसेज जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।